खास तौर से जा रहे हैं आपको नईम निहारी, यहाँ बहुत मशहूर है नईम निहारी और चने। अच्छा जी, तो ये है मजेदार गरम गरम निहारी। नईम निहारी ये कब से कर रहे हैं? तो चले आपको नईम निहारी ले चलते हैं। बड़ा पुराना इलाका है, बहुत तारीखी इलाका है। ये नान सेंटर है, तो यहाँ पर ही कुलचे वगैरह और नान तथा सब कुछ मिलता ही। देखिए ये देखें, अब मैं इसको प्रॉपरली आपको बताता हूँ। गोश्त बहुत नरम है। तो वी वेंटेड रावलपिंडी और टिपिकल केओस है यहाँ पे, जो अक्सर कराची के इलाकों में और लाहौर में भी होता है। दिस इज खुरम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हम इस वक्त इस्लामाबाद से जा रहे हैं रावलपिंडी, खास तौर से जा रहे हैं आपको नईम निहारी, यहाँ बहुत मशहूर है नईम निहारी और चने। वो जो है हम आपको लेंगे और उसका टेस्ट आपको उसको रिव्यू करके बताएंगे कि वो कैसी निहारी है, इतनी मशहूर क्यों है। तो ऑल द वे इस्लामाबाद से हम जा रहे हैं रावलपिंडी। कौन सा रोड है? करतारपुर रोड। तो देखते हैं कैसी निहारी है, इतनी मशहूर क्यों है, क्यों लोग दूर दूर से खाने आते हैं, तो उसको रिव्यू भी करेंगे। तो लेट्स गो। बड़ा खूबसूरत रास्ता है फ्रॉम इस्लामाबाद टू रावलपिंडी। चलिए, और ये हम सेक्टोरस मॉल के सामने से गुजर रहे हैं। ऑन अवे टू रावलपिंडी। और ये मेट्रो की स्टेशन भी है। ये देखिए सेक्टोरस मॉल, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वेरी फेमस मॉल। दिस इज सेंट जॉनस। वी वेंटेड रावलपिंडी और टिपिकल केओस है यहाँ पे, जो अक्सर कराची के इलाकों में और लाहौर में भी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कोई कायदा कानून नहीं चलता है। दिस इज टिपिकल रावलपिंडी ट्रैफिक। तो हम आपको यहाँ का बड़ा मज़ेदार नाश्ता करवाते हैं। और नईम निहारी विच इज़ वेरी फेमस हियर। यहाँ देखिए पुरानी, बहुत ही पुराना टाइप का एरिया है। और यहाँ कराची के बंस रोड से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ चिकन शॉप वगैरह भी है और सब्जी वगैरह सब मिलती है। और तो चलें आपको नईम निहारी ले चलते हैं। बड़ा पुराना इलाका है, बहुत तारीखी इलाका है। और यहाँ पर नाश्ते मिलते हैं बड़े मज़े के। और निहारी हो गई, पाए हो गए, इस सारी स्ट्रीट पे, लेकिन ये नईम निहारी सबसे ज़्यादा मशहूर है। हम चलते हैं वहीं पर। ओल्ड पिंडी का इलाका है करतारपुरा। और ये नईम निहारी है और इसके सामने देखिए कुलचे वाले, ये भी बहुत पुराने, हम इनसे भी बात करेंगे। ये कुलचा वगैरह जो है ये बेचते हैं। और ये आ गए, ये देखिए नईम निहारी, ये हम नईम निहारी पहुंच गए। तो अभी इनसे बात करते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद रिजवान। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं कि ये जो नई निहारी ये कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन 35-40 ईयर हो गए। अच्छा, ये मतलब खानदानी है आपका? तकरीबन इसी जगह पे कर रहे हैं जी। अच्छा, ये रोज का कितना यहाँ पे हो जाता है आपके, कितनी निहारियाँ निकल जाती है? तकरीबन एक डेग। एक डेग रोज। और क्या वक्त क्या क्या होता है? सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक। सुबह 7 से 4 बजे। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? बस निहारी होती है, चने होते हैं, दाल माश होती है। ये रोज़ की बेसिस पे होते हैं और एक डेली पे कुछ और हो जाता है, कुछ भी।
अच्छा, जैसे आज अंडाकारी बनाई है। अच्छा, बस। और ये आजकल आप देख रहे हैं इसको? नहीं, वालिद साहब भी होते हैं, वो आज जरा घर में काम वगैरह चाह रहे हैं, जिस वजह से वो घर में, तो उनकी जगह पे। अच्छा, कोविड में ये बंद रहा था? जी बिल्कुल। बड़ा नुकसान हुआ होगा फिर आपको? नहीं, बस ये था कि काम थोड़ा सा डाउन हो गया था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुला था या बंद था? ओपन था। ओपन था। अच्छा, ओपन था। लोग आते थे? जी। अच्छा, नाश्ता आपका क्या होता है? नाश्ते में निहारी और निहारी चने होते हैं नाश्ते में। इसी जगह पे आप 35 साल से? जी। बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये नान सेंटर है, यहाँ पर ही कुलचे वगैरह और नान चटाई सब कुछ मिलता है। देखिए, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये कब से कर रहे हैं आप काम? अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये कितने बजे शुरू करते हैं आप? सर हमारे पास आइटम है, इसमें जो है ना नान खताई है, मीठी रोटी है। सर जी, ये नान खताई है। जी जी, ठीक है। ये मकई की मीठी रोटी है सर जी, शक्कर से बनती है, तैयार होती है, बहुत बनाते हैं। ये कितने की? ये 30 की सर। अच्छा, उसके बाद सर जी ये बकरहानी है हमारे पास। कुछ बकरहानी है ये तंदूर में बनाते हैं। ये 40 की। ये सब नाश्ते में खाते हैं जी? इसी, उसका कोई इशू भी नहीं, जिसमें मर्जी आप खाएं खा सकते हैं। और इसके अलावा सर जी हमारे पास रोगनी नान होता है, रोगनी नान होता है, तिल वाला पराठा होता है, कुलचा तिल वाला होता है, सादा नान है, पतीरी रोटी है, ये आइटम हमारे पास होती है। ये दिन में कितने निकल जाते हैं सर जी? इसकी जो है ना लिमिट कोई भी नहीं है, बड़ा जो है एक मेयार है खाने के लिए, हमारा मेयार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आपने क्या बताया, कितने साल से कर रहे हैं? हम तकरीबन 18-20 साल से कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये भी सामने जब से ही? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ जी, तो फिर गरम गरम निहारी भी ले लिए और नान भी ले लिए गरम गरम। तो ये यहाँ कुछ बैठने का खास इंतज़ाम नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको पार्सल लेके घर चले जाएँगे और वहाँ फिर मज़े ले लेके खाएँगे और आप हमें देखते रहेंगे और आपको रिव्यू भी देंगे। तो इसे घर ले जा रहा हूँ, पार्सल गरम है, बहुत मज़ेदार है। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं नईम निहारी और आपको उसका रिव्यू देते हैं। लेट्स गो। तो वी आर रिटर्निंग टू इस्लामाबाद, वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद ताकि जल्दी जल्दी खाना खाएं, निहारी खाएं और आपको उसका रिव्यू दें। अच्छा जी, तो ये है मज़ेदार गरम गरम निहारी। ये सादा है, मुझे वो नली वाली अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को अच्छी लगती होगी, पर मैं सादा ट्राई करता हूँ। ये इसके साथ लवाजमात, अदरक वगैरह, लीमू, मिर्चें और ये गरम गरम नान, अभी भी धुएं निकल रहे हैं। तो फिर खाता हूँ और आपको इसका रिव्यू देता हूँ। नान लेते हैं जी और बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक और लेते हैं, ये देखें, अब मैं इसको प्रॉपरली आपको बताता हूँ। गोश्त बहुत नरम है, प्रॉपर गला हुआ है, वाह जी वाह। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मतलब मैं तो ये कहूँगा जैसा सुना था ना, उससे कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। लीमू ज़रूर डालें इस पर, अपना मज़ा आ जाता है। अच्छा, मिर्च मसाला बिल्कुल बैलेंस है, कोई नमक मिर्च ज़्यादा नहीं है बिल्कुल, और गोश्त बहुत ही अच्छा है, अच्छे पीसेस दिए हैं इसमें और बहुत ही नरम है। तो मज़े ले लेके खाएं और मैं आपसे कहूँगा ज़रूर जाएं नईम निहारी और उसको जाके आप खाएं, इनसे लें, इनको इनक्रेज करें। बड़े पुराने लोग हैं, खानदानी काम कर रहे हैं और इनके सामने जो कुलचे वाले और नान वाले और जो नान खताई भी उनके पास बड़ी अच्छी मिलती है, उनसे भी ज़रूर लें, इन लोगों को इनक्रेज किया करें। ये हमारा हेरिटेज है पाकिस्तान का, तो पिंडी में और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मशहूर ये नईम निहारी, तो ज़रूर खाएं। अब आप मुझे भी खाने दें और आप लोग अपना अपना खाएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड एंजॉय, लेट मी एंजॉय माई फूड. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.